ओला अमिगोज, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट नारुतो एंड नारुतो शिपुडन एनिमे के बारे में। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। The tale of Naruto Uzumaki. फैक्ट नंबर वन, मदारा डिडंट किल हिज ब्रदर। सबको लगता है मदारा ने इटरनल मांगी क्यू शारिंगन के लिए अपने भाई को किल कर दिया और उसकी आइज ले ली, पर क्या आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है। मदारा लव्ड हिज ब्रदर इजुना। जब मदारा वापस से बैटलफील्ड पर आया था तब उसने बताया था कि इजुना को लगी हुई चोट डेडली और अनट्रीटेबल थी और उसकी लाइफ के आखिरी मोमेंट्स पर डाइंग इजुना ने अपनी आइज अपने ब्रदर यानी कि मदारा को दे दी तो उसका ब्रदर इटरनल मांगी क्यू शारिंगन को अवेक करे और उसके क्लैन को प्रोटेक्ट कर सके। फैक्ट नंबर टू, माइट गाय कैन यूज निंजुत्सु और गेंजुत्सु। सबको लगता है माइट गाय भी ली की तरह सिर्फ ताइजुत्सु ही यूज कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली में दोनों निंजुत्सु और गेंजुत्सु को यूज कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनका नेचर टाइप फायर एंड लाइटनिंग रिलीज भी है। तो अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे तो वो उसे यूज क्यों नहीं करते? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनका निंजुत्सु और गेंजुत्सु बाकी सभी के कंपैरिजन में बहुत वीक है, इसलिए उन्होंने ताइजुत्सु को अपना प्लस पॉइंट बनाया और ऐसी ऊंचाइयों पर ले गए कि कोई सोच भी ना सके। फैक्ट नंबर थ्री, नारुतो एंड सास्केज फादर्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो क्या आपको पता है नारुतो एंड सास्के की ही तरह उनके फादर्स भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे और एक दूसरे को राइवल्स भी करते थे। मिनाटो की तरह फुगाकु भी बहुत जीनियस था और ये एक दूसरे से कॉम्पिटिशन भी करते थे, पर जब मिनाटो को फोर्थ होकागे के लिए सिलेक्ट करा गया तब ये दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लग गए और इनकी फ्रेंडशिप एंड राइवलरी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। नंबर फोर, वाई सास्के डिड नॉट रिप्लेस हिज लेफ्ट आर्म। आप सभी ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा आखिर सास्के ने नारुतो के राइट हैंड की तरह अपना लेफ्ट हैंड हाशिरामा सेल से क्यों नहीं बनाया? तो इसका रीज़न है कि सास्के चाहता ही नहीं था उसके हैंड को रिप्लेस करवाना। क्यों? तो इसके रीज़न थ्री है, वो अपने आप को पावरफुल बनने से रोक रहा था। वो अपने पास्ट क्राइम्स को याद करना चाहता था और उनका रिमोर्स भी करना चाहता था। और थर्ड, अगर वो कभी फिर से गलत रास्ते पर चला जाए तो नारुतो कैन इजीली डिफीट हिम, इसलिए। फैक्ट नंबर फाइव, एग्जैक्टली हाउ हाशिरामा डाइड। बहुत से लोगों को लगता है हाशिरामा की डेथ मदारा से फाइट करने की वजह से हुई है या फिर उनका हार्ट ब्रोकन हो गया था मदारा को डेथ देखकर, इस वजह से हुई है। कुछ कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि हाशिरामा भी बाकी होकागेस की तरह विलेज को प्रोटेक्ट करते करते मारे गए, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाशिरामा की डेथ का रियल रीज़न मांगा में या फिर एनिमे में डिटेल में एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, लेकिन तुम्हारे भाई ने उस रीज़न को ढूंढ के उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दी है। तो इसका पूरा रीज़न अगर जानना चाहते हो तो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, छोटी सी वीडियो है, देख लो। तो आज का सफ़र यही तक था, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अंटिल देन, हास्ता ला विस्ता अमिगोज़।